What is this? What happening? खड़े खड़े बैटरी बोल गई। ये तो नहीं होना चाहिए था यार। ये तो कोई इशू समझ में ही नहीं आ रहा, खड़े खड़े बैटरी बोल जाएगी। ओ गाइस व्हाट इज दिस मैन, खड़े खड़े इसकी बैटरी। अरे मैं आरएस की एनएस की बात कर रहा हूँ। हाँ मैंने बाहर खड़ी की कर रखी थी और अब मैं जैसे ही इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रही है। हाँ हाँ लाइट वाइट सब कुछ चस रही है पर जैसे ही सेल्फ पे हाथ लगा रहा हूँ तो टैप बोल जा रही है। पता नहीं पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब मैं इसका क्या करूं भाई, ये तो अच्छे फंस गए। हाँ ये भी बात है, धक्का मारना पड़ेगा यार। गोप्रो लगा के धक्का मारना अच्छा लगेगा कि गोप्रो लगा रखा मैंने। हाँ तो वही तो वो तो बात है ही जो मैं देख रहा हूँ, पर देख रहा हूँ क्या सीन हो गया ये। अरे अभी अभी तीन चार छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, नज़र लग गई इसको अभी अभी। यूं बोले ओ, कितनी मस्त बाइक है ना। मस्त बाइक ने चलना ही छोड़ दिया, सेल्फ लेना छोड़ दिया। एक मिनट रुको आप। पंगा क्या हो गया। चलो ठीक है मैं कॉल करता हूँ अभी आपको, देखता हूँ अपने जुगाड़ लगा के। हाँ हाँ ओके। ओ भाई आज तो हेलो। तो आप लोगों की बाइक अगर इसी तरीके से बंद हो जाए तो सबसे पहले अपनी बाइक को स्टैंड से हटाकर सेकंड गियर में लगाएं। सेकंड गियर में क्या होता है, दबाकर हल्का सा भी धक्का अगर आप लगाओगे अपनी बाइक पे तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मैंने भी यही किया और मैंने हल्का सा ही धक्का लगाया जबकि NS 200 150 kg के आस ऊपर बाइक है। और ये स्टार्ट हो गई है यार, मेरे को लग नहीं रहा। मैंने सिंगल पांव से ही धक्का मार के इसे स्टार्ट कर दिया और इसका पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है। अगर ये पेट्रोल ख़त्म की वजह से बंद हुई तो मुझे फिर से धक्का मारना पड़ेगा। वैसे काफ़ी स्वाद आ गया धक्का मार के। या तो ये समझो कि ये मेरी पावर है, मेरे को बाइक से प्यार ही इतना ज़्यादा है। हेलो गाइस, जैसे कि अपनी बाइक की बैटरी जो है वो बोल गई थी, मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो अभी आके मैंने दिखाया है मिस्त्री को और देखते हैं कि यार अभी ये चेक भैया ने चेक किया है तो भैया बता रहे हैं बैटरी डेड हो चुकी है, ये चार्ज नहीं हो पाएगी तो अब नई बैटरी डलवाते हैं अपनी बाइक में। दिखाता हूँ आपको क्या कुछ हो रखा है, भैया ने क्या कर रखा है अपनी बाइक का।
ये देखो बैटरी निकाल रखी है और वो चार्ज करके देख रहे हैं। पूरी सीट खोल के इसकी बैटरी निकलती है। मैं आपको बैटरी लगते हुए भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी अपने घर पे बैटरी डाल सकें। ये देखो ये हो रही है अपनी बैटरी चार्ज, लेकिन भैया ने बताया ये कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं बैटरी चेंज करा रहा हूँ। बताऊँगा डिटेल में क्या कुछ प्राइस लग रहा है मेरा नई बैटरी का NS200 में। चलो ये आ गई भाई अपनी बैटरी, एमरॉन प्रो राइडर। ये देखो कहाँ लगानी पड़ती है, है तो वैसे काफी इजी लगाना। पूरा मीटर बैटरी का ही आ रहा था इशू। ये बेल्ट जरूर कसते जिससे कि आपकी बैटरी हिले नहीं। हमारी बैटरी हो गई टाइट। फर्स्ट क्लास टाइट। और अब कर देते हैं इसको दोबारा से बंद। कि राइडर तो गाइस देखा आपने किस तरीके से आप अपनी NS200 की बैटरी चेंज कर सकते हैं। और इसका प्राइस मैं बता देता हूं, मैंने पुरानी अपनी बैटरी जो है वो देकर मुझे ये लगभग पड़ी है 1700 रुपये की। और अब भैया इसकी सीट कस रहे हैं, देखो इसकी सीट ऐसे लगा के और ये दोनों नट कसने पड़ेंगे और फिर पीछे वाली सीट हम लगा देंगे जो कि नीचे से लॉक से खुलती है और हमारी बाइक हो जाएगी पैक्ड। एक बार फिर से स्टार्ट करके देख लेते हैं। मस्त चल रही है। ये देखो हजार लाइट मस्त लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ASK राइडर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल ASK राइडर को।